ऐसे ऑफिस हैं, एलएसएस में प्रमोद भगत जी, जो उड़ीसा का नाम पूरे भारत में क्या विश्व में उन्होंने रोशन किया। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि उड़ीसा के एक छोटे से शहर संबलपुर कथावीर गहना प्रमोद जी ने इतना अच्छा काम किया कि आज संबलपुर वासी क्या उड़ीसा वासी भी फूले नहीं समा रहे हैं और हर कोई छाती ठोके कहता है हमारा उड़ीसा के प्लेयर है प्रमोद जी, हमारे मोहल्ले के हैं, हमारे संबलपुर के, खास करके हम देखते हैं उनके साथी जो हैं डिगरा साहब और कई हैं, हर कोई खुशी रहता है। सर सबसे पहला ये पहला इंटरव्यू है, इसके पहले भी एक दो बार बोलो ले नहीं सका था आपसे, समले मंदिर में बहुत जगह किया आपका पूरा, तो सर इसके बारे में बताएंगे, आज जो एल आई सी वालों ने भी आपको सम्मानित किया इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं एल आई सी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक खिलाड़ी का सम्मान किया और वो समझे कि सम्मान क्या होता है और एक खिलाड़ी को कैसे रेस्पेक्ट देना चाहिए, उन्होंने बखूबी किया, तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा। और जैसे संबलपुर, आपने संबलपुर के बारे में जिक्र किया, तो मैं संबलपुर से बहुत क्लोज़ हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना जो कोचिंग मैंने स्टार्ट किया था, मैं पहली बार यहाँ गुरु बना था, पहले मैं स्टूडेंट था, फिर मैंने टीचिंग दिया और संबलपुर के संबलपुर बैडमिंटन एसोसिएशन ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और आज भी मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं और हमने भी बहुत ही अच्छा सोच रखा है कि संबलपुर में और आगे बढ़ाएंगे और कैसे बहुत सारे लड़के और आगे जाएंगे, उसके बारे में मैंने भी सोचा है क्योंकि जैसे संबलपुर से मुझे बहुत कुछ मिला और मैं यहाँ से आगे जाके आज एक सफल खिलाड़ी बन पाया और मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ से और बहुत सारे लड़के निकले, इवन ना कि संबलपुर, पश्चिम उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे निकले और वो भी अपने देश का नाम रोशन करें। तो ये मेरी मतलब आप बोल सकते हो कि मैं एक सपना और एक जोड़ रहा हूँ कि कैसे अब संबलपुर से भी और बरगढ़ से पूरा वेस्टर्न उड़ीसा से कैसे बच्चे निकलेंगे और अपना उड़ीसा का नाम, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। इस तरह सरकार आपको पूरा ब्लाइंड सपोर्ट कर रही है सर, हमारे उड़ीसा सरकार क्या भारत सरकार भी आपको ब्लाइंड सपोर्ट कर रही है, हर अवार्ड आपको देना चाहती है, तो इसके लिए सर संबलपुर के प्रति आप जो जितने नए नए बच्चे उभर रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देंगे अभी? मैं यही कहूँगा कि सपोर्ट तभी मिलता है जब आप मेहनत करते हो, बिना मेहनत के तो आप कुछ नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली आप मेहनत करो, पूरी दुनिया आपको समेटने के लिए आपके पास है, खाली आपको मेहनत करना है और अपने मंदिर को छूना है, दुनिया आपको पूरी ऊपर ले जाएगी और सब आपको स्वागत करेंगे और आप सबको सम्मान भी मिलेगा, तो मेहनत करते रहो, ऊंचाई अपने आप मिलेगी। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोगों को अभी संबलपुर वासियों को, उड़ीसा वासी, भारत के वासियों को एक ही मैसेज देंगे, प्रमोद जी ने जो कहा उसके बारे आप सोचिए, आप मेहनत कीजिए, आपको लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा, जो भी इंसान मेहनत करता है, लगन करता है, उसको जरूर उसका फल मिलता है। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।